सररर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने जब जब शमशीरे ताने है माहे भवानी। शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठाने है माया भवानी। जय माता दी और स्वागत है आप सभी भक्तजनों का विश्व शांति दर्शन में। आप देख रहे हैं शरद नवरात्रि के उपलक्ष में बनाए गए विशेष वीडियोस। चैनल के जनक हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप देने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी। आज मंगलवार है, शरद नवरात्रि का तीसरा दिन। आज के दिन का रंग है लाल। आज लोग नवरात्रि उत्सव के लिए जीवंत लाल रंग की पोशाक धारण करते हैं। लाल रंग स्वस्थ जीवन, असीम साहस और तीव्र जुनून का प्रतीक है। सबसे खास बात यह है कि ये प्यार का रंग है। देवी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी अधिकतर लाल रंग की ही होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। जब देवी पार्वती ने अपने माथे को अर्धचंद्र से सजाया तो उन्हें यह नाम मिला। देवी का यह रूप उनके भक्तों को साहस और पराक्रम प्रदान करता है। साथ ही देवी की पूजा से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होती हैं। देवी चंद्रघंटा पार्वती का उग्र रूप है, लेकिन उनका क्रोधित रूप तभी देखा जा सकता है जब उन्हें उकसाया जाए, अन्यथा वे काफी शांत हैं। माँ चंद्रघंटा की सवारी बाघिन है और उनकी त्वचा का रंग सुनहरा है। उनकी 10 भुजाएं हैं। बाईं ओर की 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है। पांचवी भुजा वरद मुद्रा में रहती है। उनकी 4 दाहिने भुजाओं में कमल, बाण, धनुष और जप माला है। पांचवी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। इस रूप में वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देती हैं। जब भगवान शिव ने अंततः उनसे कहा कि वह किसी से विवाह नहीं करेंगे तो वह बुरी तरह से दुखी हो गईं। शिव उनके दर्द को सहन नहीं कर सके। उसके बाद शिवजी अपनी बारात लेकर राजा हिमवान से मिलने गए। उनकी बारात में भूत प्रेत, देवता, तपस्वी, शिवगण, अघोरी और कई अन्य प्राणी शामिल थे। बारात को देखकर पार्वती की मां मैना देवी डर गई और डर के मारे बेहोश हो गई। अपने परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने के लिए पार्वती चंद्रघंटा का रूप धारण कर शिव के सामने आई। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से शिव जी से एक राजसी दूल्हे के रूप में दिखने का अनुरोध किया। शिव जी सहमत हो गए और राजकुमार के रूप में उनके सामने आ गए। उन्होंने खुद को कीमती गहनों से सजाया और इसी तरह शिव जी ने पार्वती के परिवार को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज के दिन मंदिरों की सजावट भव्य लाल रंग की होती है। लाल रंग की चमक देवी से जुड़ी हुई है। अपने घरों में नवरात्रि मंदिर की सजावट के लिए भक्तजन ताजे गुलाब के फूलों का उपयोग करते हैं और पृष्ठभूमि में एक बड़ा ओम का प्रतीक बनाते हैं। कल बुधवार 18 अक्टूबर शरद नवरात्रि का चौथा दिन होगा। कल लोगों के कपड़ों का क्या रंग होगा? मंदिर में किस रंग के फूलों से सजावट होगी? किस देवी की होगी पूजा कल? यह बताने के लिए मैं कल फिर आपसे भेंट करूंगी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।